हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? सुहाल छे तमारो? कसा है तुम्ही? के हाल चाल? के मोआज छो? कैसे बा? ठीक है बा, मैं आपका अपना बॉटनी प्रोफेसर अर्जुन अकेडमी में आपका शानदार जोरदार जबरदस्त स्वागत करता हूँ। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर चल रहा है, फाइव फाइटो हॉर्मोन्स प्लांट हॉर्मोन्स के बारे में बातें हो रही हैं, ऑक्सिन जिब्रेलिन साइटोकाइनिन इथिलीन, चार फाइटो हॉर्मोन्स की बातें हमने फिनिश कर दिया है। लास्ट फाइटो हॉर्मोन जो कि बेसिकली ग्रोथ इनहिबिटिंग हॉर्मोन है, ऑन द नेम ऑफ एब्सिसिक एसिड स्टार्ट कर रहा हूं इस वीडियो लेक्चर में। बिफोर एब्सिसिक एसिड की स्टोरी में चालू करो, आई वॉन्ट टू टेल यू दैट ऑक्सिन जिब्रेलिन वीकली एसिड है, साइटोकाइनिन बेसिक इन नेचर होता है, इथिलीन ऑलरेडी आपको पता है कैसा नेचर है, गैसियस इन नेचर है। तो इस पॉइंट को मेंशन करते हुए स्टार्ट करूंगा मैं एब्सिसिक एसिड की स्टोरी। तो यहां पर मैंने एक लाइन लिखा दैट ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन आर वीकली एसिड, ठीक है। आगे लिख दिया साइटोकाइनिन इज बेस वाला बेसिक इन नेचर, ठीक है। वेयर एज इथिलीन कॉमन सेंस इकलौता हार्मोन जो गैसियस इन नेचर है, इथिलीन इज अ गैस, ठीक है। बस इतना मेंशन करना था, जानना जरूरी है। इसी पॉइंट को पकड़ते हुए बात आगे रख रहा हूं। लिया मैंने लास्ट हार्मोन एब्सिसिक एसिड एब्रिविएटेड एज ABA, एब्सिसिक एसिड रिप्रेजेंटेड बाई ABA, स्ट्रेस हार्मोन है। अनफेवरेबल कंडीशन में या फिर एडवर्स कंडीशन में, ड्रॉट कंडीशन में, वाटर लॉगिंग कंडीशन में इसका प्रोडक्शन स्टिमुलेट होता है। दैट्स व्हाई हम एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन नाम देते हैं। ये भी माइल्ड एसिड इन नेचर होता है, माइल्डली एसिड इन नेचर होता है। डिस्कवरी की बात अगर मैं बोलूं तो मिड 1960 में थ्री इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट या फिर थ्री इंडिपेंडेंट रिसर्चर ने रिपोर्ट किया प्यूरिफिकेशन एंड केमिकल करेक्टराइजेशन। बात पे ध्यान दीजिएगा, 1960 के आसपास थ्री इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट ने प्यूरिफाई किया और केमिकल करेक्टराइजेशन किया थ्री डिफरेंट केमिकल्स का। नाम था एब्सिसिन 2, इनहिबिटर बी और डॉर्मिन, इनहिबिटर बी और एब्सिसिन 2, तीन डिफरेंट केमिकल का प्यूरिफिकेशन और केमिकल करेक्टराइजेशन हुआ 1960 में। और बाद में पता चला, लेटर ऑन पता चला कि एब्सिसिन 2, इनहिबिटर बी एंड डॉर्मिन ऑल थ्री केमिकल्स दे आर सिमिलर इन नेचर। कंफ्यूजन ना हो इसलिए इन तीनों केमिकल को एक नाम दिया गया, एब्सिसिक एसिड, ठीक है। एब्सिसिक एसिड ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन है, माइल्डली एसिड इन नेचर होता है। एब्सिसिक एसिड का प्रोडक्शन हर एक प्लांट पार्ट में होगा, लेकिन सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होगा एब्सिसिक एसिड का क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन सेल। और प्रिकर्सर रॉ मटेरियल की बात करें तो एब्सिसिक एसिड का रॉ मटेरियल है वायलोजेंथिन, जो एक टाइप का जैंथोफिल है। कहीं कहीं पर मेवेलोनिक एसिड का भी नाम आता है फॉर द रॉ मटेरियल। इतनी बातें मैंने बोला, थोड़ा लिखते हैं और समझते हैं। सो मैंने यहां पर मेंशन किया, एब्सिसिक एसिड इज स्ट्रेस हार्मोन, एब्सिसिक एसिड इज स्ट्रेस हार्मोन
प्रोडक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड इज स्टिमुलेटेड ड्यूरिंग ड्रॉट वॉटर लॉगिंग कंडीशन एंड अदर एडवर्स कंडीशन अदर एडवर्स कंडीशन सुनिएगा, मैंने मेंशन किया एब्सिसिक एसिड इज माइल्डली एसिडिक इन नेचर एंड इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। एज इट इज आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, विच जनरली एक्ट्स एज ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। बात क्लियर है, थोड़ा आगे ले चल रहा हूं स्टोरी को, ध्यान दीजिएगा। मैंने यहां पर डिस्कवरी हेडिंग डाला और डिस्कवरी को लेके पॉइंट रखा दैट इन मिड 1960 थ्री इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स या बेटर टू से साइंटिस्ट रिपोर्टेड प्यूरिफिकेशन एंड केमिकल करेक्टराइजेशन ऑफ थ्री डिफरेंट कंपाउंड्स दैट इज एब्सिसन टू कॉमा देन यहां पर इनहिबिटर बी एंड डॉर्मिन। अगले चल रहा हूं, तीनों डिफरेंट कंपाउंड तीन डिफरेंट साइंटिस्ट ने प्यूरिफाई किया, केमिकल करेक्टराइजेशन किया, बट इनका नेचर केमिकल नेचर सिमिलर था, सो कंफ्यूजन ना हो इसके लिए तीनों को एक साथ एब्सिसिक एसिड नाम रखा गया। इरेज कर रहा हूं, आगे लाइन मेंशन कर रहा हूं, देखिएगा प्लीज। लेटर ऑन these three compounds proved to be chemically identical so not to have any confusion they are named as abscisic acid, ठीक है। तो थ्री इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट, वैसे एक साइंटिस्ट का नाम लेना चाहें विथ रिफरेंस टू आइसोलेशन तो हम एडिकॉट का नाम ले सकते हैं। तो सुनिएगा, साइंटिस्ट का नाम है एडिकॉट एट अल, इनके साथ में और भी लोग थे। 1963 आइसोलेटेड एब्सिसिक एसिड फर्स्टली फ्रॉम कॉटन बॉल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर लिया मैंने अकरेंस के लैंग्वेज में, थोड़ा सुनिएगा। इट बेसिकली अकर्स
इन डॉर्मेंट बर्ड्स एंड सीड्स। तो सुनिएगा, प्रोडक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड अकर्स इन ऑल प्लांट पार्ट्स बट अबंडेंटली एब्सिसिक एसिड इज सिंथेसाइज्ड। अबंडेंटली एब्सिसिक एसिड इज सिंथेसाइज्ड इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन सेल्स। क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन सेल में सबसे ज्यादा होगा प्रिपरेशन सिंथेसिस ऑफ द एब्सिसिक एसिड। सबसे ज्यादा इसका जो प्रेजेंस देखा गया वो डॉर्मेंट सीड और डॉर्मेंट बर्ड में मिलता है। तो देखिएगा यहां पर अगर मैं प्रिकर्सर की बात करूं, प्रिकर्सर या रॉ मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ एब्सिसिक एसिड, सो मैंने मेंशन किया एब्सिसिक एसिड इज सिंथेसाइज्ड, एब्सिसिक एसिड इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम वायलाजेंथिन, वायलाजेंथिन, ठीक है। इट इज अ टाइप ऑफ नेचुरल जैंथोफिल पिगमेंट या जैंथोफिल, ठीक है। तो कहीं कहीं पर तो डायरेक्ट जैंथोफिल ही रॉ मटेरियल मेंशन किया गया है, तो जैंथोफिल प्रिकर्सर हम कंसिडर कर सकते हैं। डीप में जाएंगे तो वायलाजेंथिन आ जाएगा एंड मेवेलोनिक एसिड। मेवेलोनिक एसिड, तो बात पकड़िएगा, रॉ मटेरियल जैंथोफिल एंड मेवेलोनिक एसिड या रॉ मटेरियल के नाम पर वायलाजेंथिन एंड मेवेलोनिक एसिड। वायलाजेंथिन इट इज अ टाइप ऑफ ऑरेंज कलर का जैंथोफिल, ठीक है। सो ये रहा इनका जो है डिफिनेशन में हमने इसको माइल्डली एसिडिक नेचर का हार्मोन बोला। डिफिनेशन में हमने इसको डेक्स्टर रोटरी ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन बोला। डिफिनेशन के लैंग्वेज में हमने इसको स्ट्रेस हार्मोन बोला। स्टिमुलेशन ऑफ प्रोडक्शन या सिंथेसिस ऑफ एब्सिसिक एसिड एडवर्स कंडीशन में होगा। डिस्कवरी की बातें की, अकरेंस की बातें की, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होगा ग्रीन सेल्स के क्लोरोप्लास्ट में। रॉ मटेरियल की बातें कर लिया, बात आगे ले चल रहा हूं, मेंशन करते हैं, बात समझते हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट और फंक्शन से रिलेटेड एब्सिसिक एसिड क्या क्या करता है। इरेज कर रहा हूं इसको, स्टार्ट कर रहा हूं, हेडिंग लिया मैंने यहां पर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स या फंक्शंस ऑफ एब्सिसिक एसिड, पहला इसमें मैं फंक्शन मेंशन कर रहा हूं, सीड एंड बर्ड डॉर्मेंसी। तो पहला फंक्शन लिया मैंने बर्ड एंड सीड डॉर्मेंसी। मेन फंक्शन ऑफ द एब्सिसिक एसिड बोल रहा हूं, थोड़ा सुनिएगा। एब्सिसिक एसिड causes dormancy of birds during basically winter season। mention किया यहां पर abscisic acid also causes dormancy in seeds। बर्ड को अनफेवरेबल कंडीशन में एज वेल एज सीड को अनफेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट नहीं होने देगा, स्प्राउट नहीं होने देगा एब्सिसिक एसिड। सो मैंने बोला दस सीड कैन टॉलरेट, द सीड कैन टॉलरेट डेसिकेशन एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर बेटर। बस ध्यान से समझिएगा, डॉर्मेंसी का मतलब अनएबिलिटी टू जर्मिनेट विथ रेफरेंस टू द बर्ड, विथ रेफरेंस टू द सीड,
बड या सीड स्प्राउट या जर्मिनेट नहीं कर पा रहे हैं और करने नहीं दे रहा है एब्सेसी के सीड, थोड़ा सुनिएगा, यहां पर डॉर्मेंसी ऑफ सीड एंड बड कैन बी ओवरकम बाई प्रोडक्शन ऑफ जिबरेलिन सीड और बड डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है। यहां पर बात ध्यान देने वाली है कि एब्सिसिक एसिड डॉर्मेंसी प्रमोट कर रहा है, जिबरेलिन डॉर्मेंसी तोड़ रहा है। डॉर्मेंसी के लैंग्वेज में एब्सिसिक एसिड और जिबरेलिन एंटागोनिस्टिक हैं, अपोजिट काम कर रहे हैं। थोड़ा सुनिएगा, फॉर दिस नेचर एब्सिसिक एसिड ऑल्सो कॉल्ड डॉर्मिन। ठीक है, सो एब्सिसिक एसिड को डॉर्मिन नाम दिया क्योंकि ये डॉर्मेंसी इंड्यूस कर रहा है। डॉर्मेंसी इंड्यूस करना एक अच्छी बात भी है। सीड और जो रूट लीफ स्टेम में जो स्प्राउटिंग स्ट्रक्चर है, जो कॉम ट्यूबर इन सब में जो बड्स हैं, या जो प्लांट में जो है एक्सिलरी बड एक्सेट्रा है, सो बड्स को और सीड को अनफेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट ना होने देना एब्सिसिक एसिड का काम है। इस करेक्टर को हमने डॉर्मेंसी नाम दिया, ये सपोर्ट कर रहा है प्लांट को टू ओवरकम अनफेवरेबल कंडीशन, टू टॉलरेट अनफेवरेबल कंडीशन। और वंस अनफेवरेबल कंडीशन चला गया, तब इन द इंफ्लुएंस ऑफ जिबरेलिन इस डॉर्मेंसी को ब्रेक किया जाएगा, सीड और बड जर्मिनेट और स्प्राउट करेंगे, प्लांट अपना ग्रोथ रिज्यूम करेगा। सो डॉर्मेंसी की वजह से इसको हमने डॉर्मिन नाम दिया। ठीक है, दूसरा इसका कैम्बियम एक्टिविटी को डिमोट करेगा। सो मेंशन किया यहां पर ड्यूरिंग विंटर सीजन एब्सिसिक एसिड इनहिबिट्स माइटोसिस इन कैम्बियम सेल्स। याद रखिएगा प्लीज, अनफेवरेबल कंडीशन या विंटर सीजन में, वैसे भी हम लोगों ने एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में सुना है कि अनफेवरेबल कंडीशन में गर्थ में इंक्रीज स्लो हो जाता है। थोड़ा जो है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम वाले हेडिंग में देखिएगा, मैंने जो है वीडियो लेक्चर जाके देखिएगा, वहां पर मैंने बताया है ऑटम सीजन या विंटर सीजन में कैम्बियम एक्टिविटी स्लो होता है, स्प्रिंग सीजन या समर सीजन या फेवरेबल कंडीशन में वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी फास्ट होता है। वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी को स्लो डाउन करना, अनफेवरेबल सीजन, विंटर सीजन, ऑटम सीजन में माइटोसिस ना करने देना, लेस कम जो है सेकेंडरी जाइलम वगैरह प्रोड्यूस करना अनफेवरेबल कंडीशन में वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी को स्लो डाउन करेगा एब्सिसिक एसिड। ये दो चीजें समझा है, इरेज कर रहा हूं। नेक्स्ट फंक्शन की बात कर लेते हैं, यहां पर एब्सिसिक एसिड मेटाबॉलिज्म एंड लीफ सेनेसेंस में कैसा रोल प्ले कर रहा है। सो मेटाबॉलिज्म एंड लीफ का एजिंग, लीफ का ओल्ड होना, पर सुनिएगा, मैंने बोला एब्सिसिक एसिड इनहिबिट्स सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स। ध्यान से सुनिएगा, मैंने बोला ऑल्सो कॉजेस डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल। थोड़ा सुनिएगा, दस प्रमोट या स्टिमुलेट लीफ सेनेसेंस।
लीफ का ओल्ड होना, लीफ का सेनेसेंट होना, लीफ का एजिंग हो रहा है एब्सिसिक एसिड की वजह से, बट ध्यान से सुनिएगा, लीफ का टपकना, लीफ का फॉल डाउन इथिलीन की वजह से होता है। मेंशन कर रहा हूं, फॉलिंग ऑफ लीफ, फॉलिंग ऑफ लीफ स्टिमुलेटेड बाई इथिलीन, स्टिमुलेटेड बाई इथिलीन। तो इथिलीन हाइड्रोलाइसिस एंजाइम बना बना के लीफ को फॉल डाउन करने में हेल्प करेगा। लीफ के एजिंग में एब्सिसिक एसिड का रोल है, लीफ के गिरने में इथिलीन का रोल है। नेक्स्ट यहां पर मैंने फंक्शन मेंशन किया, फोर्थ ले लिया, इवन एब्सिशन, एब्सिशन में मेनली तो हम इथिलीन को ही कंसीडर करेंगे, बट यहां पर मेंशन कर रहे हैं एबीए आल्सो प्रमोट, एबीए आल्सो प्रमोट्स एब्सिशन, एब्सिशन ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स। लीफ और फ्रूट के एब्सिशन के पीछे, एब्सिशन का फाइनल मीनिंग मैं अगर गिरने के लैंग्वेज में लूं तो इथिलीन को जाएगा, फॉलिंग ऑफ लीफ नथिंग बट एब्सिशन, मेनली परफॉर्म करता है इथिलीन, बट यहां पर हम एब्सिसिक एसिड को भी कंसिडर करेंगे एब्सिशन प्रमोट करने में। और देखिएगा यहां पर नेक्स्ट मैंने लिया ट्रांसपीरेशन, ध्यान से सुनिएगा, एडवर्स कंडीशन में वाटर स्कार्सिटी कंडीशन है, तो ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन सिंथेसिस ऑफ एब्सिसिक एसिड इंक्रीजेस, ठीक है, दिस कॉजेस क्लोजर ऑफ स्टोमाटा दस प्रिवेंटिंग ट्रांसपीरेशन। सो एब्सिसिक एसिड स्टोमाटा को क्लोज करने में सपोर्ट कर रहा है, एडवर्स कंडीशन में जब वाटर स्कार्सिटी कंडीशन है, एक्सट्रीम ड्राई कंडीशन है जिसको हम डेसिकेशन कंडीशन बोलते हैं, तो वहां पर स्टोमाटा को क्लोज करने में एब्सिसिक एसिड का मेन रोल है। एब्सिसिक एसिड आगे कहीं अगर आएगा तो हम मेंशन कर देंगे स्टोमाटा का क्लोजर में, स्टोमाटा को बंद करने में, वैसे भी स्टोमाटा का ओपनिंग एंड क्लोजिंग में स्टोमाटा का क्लोजिंग कंट्रोल्ड बाई द एब्सिसिक एसिड हार्मोन। इरेज करता हूं इसको, नेक्स्ट फंक्शन की बात कर ले रहा हूं। यहां पर मैंने मेंशन किया इनहिबिशन ऑफ सीड जर्मिनेशन का मतलब तो बताइए, सीड जर्मिनेशन प्रमोट करता है जिब्रेलिन एंजाइम सीड जर्मिनेशन के समय अमाइलेज का, प्रोटीएज का, लाइपेज का एक्सेट्रा इन एंजाइम्स के सिंथेसिस को इन्फ्लुएंस करता है। अगर इनकी सिंथेसिस ना हो तो सीड जर्मिनेट नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, एब्सिसिक एसिड प्रिवेंट्स जिब्रेलिन मीडिएटेड सिंथेसिस ऑफ अमाइलेज ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ सीरियल सीड्स। तो सीरियल सीड्स या क्रॉप सीड में अमाइलेज के सिंथेसिस को डिमोट करता है एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट यहां पर मैंने पॉइंट लिया जो है रेजिस्टेंस, थोड़ा सुनिएगा, यहां पर मैंने मेंशन किया एब्सिसिक एसिड कॉजेज रेजिस्टेंस इन प्लांट्स अगेंस्ट
कोल्ड ड्रॉट वाटर लॉगिंग एंड अदर एडवर्स कंडीशंस। एडवर्स कंडीशन पेस्ट और पैथोजन के अटैक के समय भी हो सकता है। दस एब्सिसिक एसिड ऑल्सो कॉल्ड दस एब्सिसिक एसिड अलग अलग स्ट्रेस के समय कोल्ड ड्रॉट वाटर लॉगिंग एक्सेट्रा के टाइम पर एब्सिसिक एसिड का सिंथेसिस प्लांट को काम नहीं करने दे रहा है, डॉर्मेंट कर दे रहा है, सीड को जर्मिनेट नहीं होने दे रहा है, बड को स्प्राउट नहीं होने दे रहा है, इसकी वजह से प्लांट एडवर्स कंडीशन में सरवाइव कर पा रहा है, एडवर्स कंडीशन के लिए रेजिस्टेंट हो पा रहा है, एडवर्स कंडीशन में न्यूट्रिएंट सनलाइट वाटर अवेलेबल नहीं है। उस समय प्लांट अगर काम करेगा तो श्योरली ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज प्लांट का ग्रोथ या सर्वाइवल क्वेश्चन मार्क में आ जाएगा, क्वेश्चन लग जाएगा कि सर्वाइव हो पाएगा या नहीं, उससे बचा रहा है, इसलिए इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेस हॉर्मोन। स्ट्रेस हॉर्मोन प्लांट को स्ट्रेस कंडीशन में बचाने के लिए, अनफेवरेबल कंडीशन में प्लांट को बचाने के लिए प्लांट का ग्रोथ रुकना चाहिए, प्लांट का ग्रोथ रोकने के लिए एब्सिसिक एसिड मेजर रोल प्ले कर रहा है, इसलिए हमने इसको स्ट्रेस हॉर्मोन नाम दिया। और ये स्ट्रेस हॉर्मोन एब्सिसिक एसिड ग्रोथ को इनहिबिट करके ला रहा है। स्ट्रेस हॉर्मोन में रेजिस्टेंट स्ट्रेस हॉर्मोन जो एब्सिसिक एसिड को हम अनदर नाम दे रहे हैं, वो क्यों दे रहे हैं, क्योंकि रेजिस्टेंट ला रहा है प्लांट में अनफेवरेबल कंडीशन में बाय इनहिबिटिंग द ग्रोथ प्रोसेस ऑफ द प्लांट। बात समझा? इरेज करते हैं, कुछ और फंक्शन की बातें कर लेते हैं। जैसे हो गया फ्लावरिंग, तो फ्लावरिंग के लैंग्वेज में यहां पर बात ध्यान दीजिएगा, ये लाइन आगे भी आएगा पर सुनिएगा। एब्सिसिक एसिड इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन सम शॉर्ट डे प्लांट। अब ये शॉर्ट डे प्लांट क्या होता है, लॉन्ग डे प्लांट क्या होता है, ये सारी बातें नेक्स्ट हेडिंग में फोटोपीरियोडिज्म हेडिंग में आएगा। बात आगे ले चल रहे हैं पार्थेनोकार्पी सीडलेस फ्रूट का फॉर्मेशन, सीड नहीं बनेगा, ओवरी कन्वर्ट हो जाएगा फ्रूट में पार्थेनोकार्पी। सो एबीए इंड्यूसेस पार्थेनोजेनेटिक डेवलपमेंट इन रोज प्लांट्स। फ्लावरिंग हो गया, पार्थेनोकार्पी हो गया, और भी बहुत फंक्शन है, इरेज कर रहे हैं थोड़ा इसको। नेक्स्ट एक फंक्शन की बात कर लेते हैं यहां पर रूटिंग। वैसे तो रूटिंग क्रेडिट जाता है ऑक्सिन हार्मोन को, बट यहां पर मेंशन करते हैं इन सर्टेन प्लांट्स लाइक बीन, आईवी प्लांट एंड पॉइंसेटिया प्लांट एक्सेट्रा, रूट इनिशिएशन इन स्टेम कटिंग स्टिमुलेटेड बाय स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एब्सिसिक एसिड। ठीक है, ये एक हेडिंग हो गया। यहां पर एक स्टार मार्क मेंशन कर रहा हूं, एब्सिसिक एसिड वर्क्स अगेंस्ट, यहां पर लिख दे रहे हैं अगेंस्ट अदर ग्रोथ प्रमोटिंग हॉर्मोन्स ग्रोथ
प्रमोटिंग हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स लाइक ऑक्सिन, जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन. दस दस कीप्स कंट्रोल, कीप्स कंट्रोल ऑन द एक्टिविटी ऑफ, ऑन द एक्टिविटी ऑफ दीज हॉर्मोन्स, दीज हॉर्मोन्स. सुनिएगा, मैंने बोला एब्सिसिक एसिड हेल्प्स द सीड, हेल्प्स द सीड फॉर फॉर डेवलपमेंट एंड मैच्यूरेशन, फॉर डेवलपमेंट एंड मैच्यूरेशन. सीड को डेवलप्ड और मैच्योर होने के पहले जर्मिनेट ना होने दिया जाए, इसलिए सीड को डॉर्मेंट रख करके रखता है, सो दैट सीड के अंदर जो एम्ब्रियो एक्सेट्रा है उसका प्रॉपर ग्रोथ डेवलपमेंट हो सके. तो सीड डॉर्मेंट है एब्सिसिक एसिड के इन्फ्लुएंस में, इस कंडीशन में सीड जर्मिनेट नहीं हो पा रहा है. तो जब तक सीड डॉर्मेंट है एब्सिसिक एसिड के इन्फ्लुएंस में, तब तक सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है उसको इनफ टाइम मिल जाएगा प्रॉपर ग्रोथ डेवलपमेंट एंड मैच्यूरेशन के लिए. ठीक है, तो इनहिबिटर हार्मोन है, बहुत सारे प्रोसेस को स्टॉप कर दे रहा है, इसकी वजह से प्लांट सर्वाइव करने में अनफेवरेबल कंडीशन में उसको सपोर्ट मिल रहा है. ठीक है, इरेज कर रहा हूं. नेक्स्ट एब्सिसिक एसिड से रिलेटेड हेडिंग ले रहा हूं, एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस या यूजेज ऑफ द एब्सिसिक एसिड. एब्सिसिक एसिड एंटी ट्रांसपेरेंट है, स्टोमाटा के क्लोजर में सपोर्ट करता है. तो पहला लिया इसका यूज एंटी ट्रांसपेरेंट मटेरियल के जैसा, एंटी ट्रांसपेरेंट मटेरियल के जैसा काम में यूज हो रहा है. इसका मेंशन किया स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एब्सिसिक एसिड कॉजेज पार्शियल क्लोजर, पार्शियल क्लोजर ऑफ स्टोमाटा. दस 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 प्रिवेंटिंग, दस प्रिवेंटिंग लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू ट्रांसपिरेशन, ड्यू टू ट्रांसपिरेशन इन एडवर्स कंडीशन, इन एडवर्स कंडीशन. क्या मैं बोलूं यहां पर वाटर कंजर्वेशन को प्रमोट कर रहा है बाय प्रिवेंटिंग लॉस ऑफ वाटर बाय हेल्पिंग द स्टोमाटा टू क्लोज ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन. सो एबीए सपोर्ट इन वाटर कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन. ट्रांसपिरेशन के अगेंस्ट है, ट्रांसपिरेशन होना है तो स्टोमाटा को ओपन रहना पड़ेगा, और अगर ट्रांसपिरेशन हो रहा है स्टोमाटा के ओपन होते हुए अनफेवरेबल कंडीशन में, तो लॉस ऑफ वाटर बहुत ज्यादा होगा. कंडीशन अनफेवरेबल है, वाटर स्कार्सिटी है, नहीं होना चाहिए, प्लांट के सर्वाइवल पर अफेक्ट होगा. तो अनफेवरेबल कंडीशन में स्टोमाटा को क्लोज करेगा, एंटी ट्रांसपेरेंट मटेरियल के जैसा हम यूज करते हैं इसको. ठीक है, दूसरा हमने लिया फ्लावरिंग, फ्लावरिंग एंड रूटिंग. ऑलरेडी हम इसके बारे में फंक्शन से रिलेटेड बात कर चुके हैं, यूज भी होता है, यूज्ड टू इंड्यूस फ्लावरिंग, used to induce flowering in SDP short day plants. एक example याद आया, जैसे strawberry and root formation,
एंड रूट फॉर्मेशन इन स्टेम कटिंग टेक्निक, स्टेम कटिंग प्रोसेस। स्टेम कटिंग एक टाइप का आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, उसमें स्टेम कटिंग को जब हम ग्राउंड पे लगाएंगे तो बेसिकली तो एब्सिसिक एसिड IAA के नाम पर यूज होता है रूट प्रमोशन के लिए, लैटरल रूट के फॉर्मेशन के लिए एब्सिसिक एसिड को भी हम यूज कर सकते हैं। क्लियर है? इरेज कर रहे हैं। एक लास्ट यूटिलाइजेशन की बात कर लेते हैं एब्सिसिक एसिड का, जो है यहां पर डोरमेंसी से रिलेटेड। डोरमेंसी से रिलेटेड यूज ऑफ एब्सिसिक एसिड, थोड़ा सुनिएगा। एब्सिसिक एसिड यूज्ड टू कॉज, एब्सिसिक एसिड यूज्ड टू कॉज डोरमेंसी इन सीड्स, इन बर्ड्स एंड स्टोरेज ऑर्गन्स। स्टोरेज ऑर्गन्स के नाम पर राइजोम हो जाएगा, कॉम हो जाएगा, ट्यूबर हो जाएगा, ठीक है, स्टोरेज ऑर्गन्स। थोड़ा सुनिएगा, यहां पर एब्सिसिक एसिड हेल्प्स सीड्स एक्सेट्रा, एब्सिसिक एसिड हेल्प्स सीड एक्सेट्रा टू विथस्टैंड्स, टू विथस्टैंड इन डेसिकेशन, इन डेसिकेशन एक्सट्रीम ड्राई कंडीशन एंड अदर अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक है, पर सुनिएगा, एब्सिसिक एसिड सपोर्ट्स सीड इन देयर डेवलपमेंट एंड मैच्यूरेशन, इन देयर डेवलपमेंट एंड मैच्यूरेशन बाय इनहिबिटिंग द जर्मिनेशन ऑफ सीड। सीड को एब्सिसिक एसिड इनफ टाइम प्रोवाइड करेगा कि सीड वेल डेवलप्ड, वेल मैच्योर हो जाए। ठीक है, बायोसे की बात कर लेते हैं यहां पर। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टेस्ट डन टू नो द करेक्टर, द यूटिलाइजेशन, द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द एब्सिसिक एसिड। तो यहां पर है बीन एंड कॉटन एक्स प्लांट टेस्ट, बीन एंड कॉटन एक्स प्लांट टेस्ट। एक्स प्लांट उस पार्ट को बोलते हैं जो पार्ट टिश्यू कल्चर में यूज किया जाता है। सिंपल, इसके बारे में डिटेल में स्टडी नहीं करना है। सो यहां पर हमने एब्सिसिक एसिड की स्टोरी फिनिश कर ली, ज्यादा डिटेल में नहीं है, बहुत सारे पॉइंट तो याद ही करना है। यहां पर स्ट्रेस हार्मोन है, डॉर्मिन भी नाम देते हैं इसको, पहले तीन अलग नाम था, तीन अलग केमिकल, तीन अलग नाम पे इनहिबिटर के जैसा काम कर रहे थे, बाद में पता चला कि तीनों अलग केमिकल का नेचर सेम है, केमिकल कंपोजिशन सेम है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए तीनों को कलेक्टिवली एब्सिसिक एसिड नाम दिया गया। कॉटन बॉल से इसको आइसोलेट किया एडिकॉट साइंटिस्ट ने, स्ट्रेस हार्मोन बोला इसको, क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन सेल में सबसे ज्यादा सिंथेसाइज होगा, प्रिकर्सर रॉ मटेरियल वायलाजेंथिन है। ठीक है, हमने इसके फंक्शन की बातें की, फंक्शन में बेसिकली ग्रोथ को इनहिबिट करेगा, ग्रोथ को इनहिबिट करना लग रहा है निगेटिव प्रोसेस है, निगेटिव करेक्टर है, बट ग्रोथ को इनहिबिट करके ये प्लांट को, सीड को, बर्ड को, स्टोरेज ऑर्गन को इनफ टाइम दे रहा है मेच्योर होने में, डेवलप होने में, प्लांट को सर्वाइव करने में सपोर्ट कर रहा है ग्रोथ को इनहिबिट करके अनफेवरेबल कंडीशन में। स्ट्रेस हार्मोन है, ठीक है। सो बात आगे बढ़ा रहे हैं, थोड़ा सुनिएगा, बात अब बढ़ाते हैं आगे विथ रेफरेंस टू, हमने पांच हार्मोन पढ़े, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथिलिन और एब्सिसिक एसिड। पांचों हार्मोन को रिमाइंड करिए जल्दी से माइंड में, और अगर आप देखेंगे तो पांचों हार्मोन में बहुत सारे हार्मोन एक ही फंक्शन को या तो प्रमोट कर रहे हैं या बहुत सारे हार्मोन एक ही फंक्शन के लिए अपोजिट काम कर रहे हैं। मैं आगे हेडिंग लेने वाला हूं इंटरैक्शन अमंग प्लांट रेगुलेटर, इंटरैक्शन अमंग प्लांट रेगुलेटर में ये जो पांच प्लांट रेगुलेटर हैं
ये दो तरीके से इंटरैक्ट हो सकते हैं, इधर सिनर्जेटिकली या एंटागोनिस्टिकली। सिनर्जेटिकली इंटरैक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन है जब एक ही काम को दो या दो से ज्यादा हार्मोन सपोर्ट करें। एंटागोनिस्टिकली इंटरैक्शन है फाइटोहार्मोन या प्लांट हार्मोन का जब एक ही काम को दो या दो से ज्यादा हार्मोन अपोजिट मैनर में सपोर्ट करें। एक अगर प्रमोट कर रहा है तो दूसरा इनहिबिट करें। बात रखते हैं इंटरैक्शन अमंग प्लांट रेगुलेटर। इरेज करता हूं, हेडिंग लिया यहां पर हमने इंटरैक्शन अमंग प्लांट रेगुलेटर, प्लांट रेगुलेटर्स। ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, मैंने यहां पर मेंशन किया ग्रोथ डिफरेंशिएशन, ग्रोथ डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट प्रोसेसेस, डेवलपमेंट प्रोसेसेस आर रेगुलेटेड बाय मोर देन टू हॉर्मोन्स, मोर देन टू हॉर्मोन्स वर्किंग एज सिनर्जिटिकली, सिनर्जिटिकली और एंटागोनिस्टिकली, एंटागोनिस्टिकली। फाइटोहार्मोन में जो पांच हार्मोन है तीन तरीके से काम कर सकते हैं, बात ध्यान से सुनिएगा। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथिलीन और एब्सिसिक एसिड, ये तीन तरीके से काम कर रहे हैं। एक तो इंडिविजुअल लेवल पर किसी प्रोसेस को प्रमोट कर रहे हैं, इंडिविजुअल लेवल पर सबका स्पेशलाइजेशन है। दूसरा इंटरैक्शन हो रहा है पांचों हार्मोन का। पहला तो पांचों हार्मोन अपना 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 काम अलग 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 कर रहे हैं, इंटरैक्शन नहीं है। इंडिविजुअल लेवल पर पांचों हार्मोन स्पेसिफिक फंक्शन को प्रमोट या इनहिबिट कर रहे हैं। दूसरा पांचों हार्मोन का इंटरैक्शन हो रहा है किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, जहां पर दो या दो से ज्यादा हार्मोन किसी फंक्शन को एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं, सिनर्जिस्टिक एक्टिविटी होगा। या पांचों हार्मोन में दो या दो से ज्यादा हार्मोन किसी पर्टिकुलर फंक्शन को अपोजिट मैनर में परफॉर्म कर रहे हैं, एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी होगा। बस समझिएगा, यहां पर सुनिएगा, प्लांट हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स कैन एक्ट एज इंडिविजुअली और सिनर्जिस्टिकली। ऊपर भी बोला है, फिर से यहां पर मेंशन कर रहा हूं, सिनर्जिटिकली मीन्स टू और मोर हार्मोन्स वर्किंग सिमिलर फॉर पर्टिकुलर फंक्शन या प्रोसेस, ठीक है, एंड या बोल दे और इंडिविजुअली और सिनर्जेटिकली और एंटागोनिस्टिकली। इसमें भी टू और मोर हार्मोन्स, टू और मोर हार्मोन्स वर्किंग इन डिफरेंट मैनर, इन डिफरेंट मैनर फॉर पर्टिकुलर फंक्शन, फॉर पर्टिकुलर फंक्शन। बात समझ में आ रहा है, आ रहा है, आ ही रहा है कि नहीं, जल्दी से बताइए।
इंटरेक्शन अमंग प्लांट रेगुलेटर में इंडिविजुअली, वो तो अपना अपना काम करे, उसको हटा दीजिए। इंटरेक्शन में दो टाइप का इंटरेक्शन हो रहा है, प्लांट हार्मोन के बीच में किसी फंक्शन को लेके प्लांट हार्मोन एक ही जैसे बिहेवियर शो कर रहे हैं, या किसी फंक्शन को लेके प्लांट हार्मोन अलग अलग तरीके से बिहेवियर कर रहे हैं, सिनर्जिस्टिकली एंटागोनिस्टिकली। बात आगे रखता हूं, इरेज करता हूं इसको। इंटरेक्शन अमंग प्लांट रेगुलेटर में पहला इंटरेक्शन सिनर्जिस्टिक एक्शंस ऑफ प्लांट हार्मोन्स। जल्दी से बताइए सिनर्जिस्टिक एक्शन हेडिंग का मतलब क्या हुआ? दो या दो से ज्यादा हार्मोन पर्टिकुलर फंक्शन को सिमिलर मैनर में परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे मैं यहां पर लूं, एक फंक्शन है सेल डिवीजन, दूसरा फंक्शन है सेल ग्रोथ, और तीसरा फंक्शन है एब्सिशन। बताइए मुझे पांचों हार्मोन जल्दी से रिमाइंड करिए इन माइंड में, रिमाइंड करिए इन माइंड में, और बताइए प्लीज सेल डिवीजन प्रमोटेड बाय, सेल डिवीजन प्रमोटेड बाय ऑक्सिन भी सेल डिवीजन प्रमोट करता है, एंड साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन तो मेन सेल डिवीजन प्रमोटिंग हार्मोन है ही, साथ में ऑक्सिन भी जो है सेल डिवीजन प्रमोट करता है, साइटोकाइनिन। ठीक है, प्रमोटेड बाय ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन टुगेदर, तो हो गया दोनों का सिनर्जिस्टिक एक्टिविटी। यहां पर ऑक्सिन भी, साइटोकाइनिन भी एंड जिब्रेलिन भी, तीनों के तीनों प्रमोट करेंगे, प्रमोट सेल का ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ ऑफ सेल, ग्रोथ ऑफ सेल। और यहां पर एब्सिशन को कौन कौन से प्लांट रेगुलेटर हैं जो प्रमोट करेंगे, बताइए बताइए। मेन एब्सिशन मतलब फॉलिंग ऑफ लीफ एंड फ्रूट एंड फ्लावर इथिलीन की वजह से होगा। थोड़ी देर पहले तो हमने एब्सिसिक एसिड का भी फंक्शन सुना था ना, तो एब्सिशन प्रमोटेड बाय इथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड। ठीक है, रिजल्ट्स इन फॉलिंग ऑफ लीफ फ्लावर फ्रूट। इंटरेक्शन ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जहां पर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर किसी पर्टिकुलर प्रोसेस या फंक्शन को सिमिलरली अफेक्ट कर रहे हैं, सिनर्जिस्टिक एक्शन होगा। तो सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ और एब्सिशन में कौन कौन से अलग अलग हार्मोन एक जैसा काम कर रहे हैं, मेंशन कर दिया। बात आगे बढ़ा रहा हूं, बात आगे ले चल रहे हैं। इंटरेक्शन अमंग प्लांट हार्मोन में लेते हैं एंटागोनिस्टिक इफेक्ट्स या एक्शंस ऑफ प्लांट रेगुलेटर्स। इसमें तीन पॉइंट मेंशन करना चाहूंगा। पहला मैंने लिया डॉर्मेंसी, दूसरा मैंने लिया एपिकल डोमिनेंस, और तीसरा हमने यहां पर लिया सेनेसेंस, एजिंग ऑफ द पार्ट्स, सेनेसेंस। पांचों जो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को जल्दी से दोबारा माइंड में रिमाइंड करिए और बताइए। डॉर्मेंसी थोड़ा सुनिएगा, इंड्यूस्ड बाय एब्सिसिक एसिड, डॉर्मेंसी इन सीड, डॉर्मेंसी इन बर्ड, डॉर्मेंसी इन स्टोरेज ऑर्गन। थोड़ी देर पहले ही तो हमने समझा सीड डॉर्मेंसी, बर्ड डॉर्मेंसी को इंड्यूस कर रहा है अनफेवरेबल कंडीशन में एब्सिसिक एसिड, वेयर एज इनहिबिटेड बाय बेस्ट हार्मोन जो सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करेगा। ब्रेकिंग ऑफ सीड डॉर्मेंसी या सीड डॉर्मेंट ना हो, इसमें जिब्रेलिन का रोल आता है। ठीक है, सो जिब्रेलिन, डॉर्मेंसी इंड्यूस्ड बाय एब्सिसिक एसिड एंड ब्रोकन या इनहिबिटेड बाय
जिब्रेलिन। एपिकल डोमिनेंस बताइए बताइए, प्रमोटेड बाय एपिकल डोमिनेंस कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है किसका, जल्दी से बताइए, ऑक्सिन का। किसका है? ऑक्सिन का। प्रमोटेड बाय ऑक्सिन एंड इनहिबिटेड बाय साइटोकाइनिन। ठीक है, साइटोकाइनिन। सो ऑक्सिन के प्रेजेंस में एक्सिलरी बर्ड ग्रो नहीं करेंगे, केवल टर्मिनल बर्ड ही ग्रो करेंगे, उसी को हम बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस। इस एपिकल डोमिनेंस के अगेंस्ट काम करता है साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन ब्रांचेस लीफ एक्सेट्रा के फॉर्मेशन में। तो साइटोकाइनिन एक्सिलरी बर्ड के ग्रोथ को प्रमोट करता है। सेनेसेंस में बताइए अगेन, ऑक्सिन इनहिबिट सेनेसेंस। सुना है ना, याद आ रहा है कि नहीं? इमेच्योर यंग लीव्स के सेनेसेंस को नहीं होने देगा, सेनेसेंस को इनहिबिट करता है ऑक्सिन, वेयर एज इनहिबिट्स ऑक्सिन इनहिबिट सेनेसेंस, वेयर एज प्रमोटेड बाय एब्सेसिक एसिड मेन हार्मोन है। ठीक है, और पॉइंट मेंशन कर ले यहां पर, एब्सेसिक एसिड कॉजेस क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा वेयर एज साइटोकाइनिन हेल्प्स इन ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा। ये भी रहा जो है एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी। तो ये कुछ एंटागोनिस्टिक इंटरैक्शन थे प्लांट हार्मोन के, रेस कर रहे हैं इसको। कुछ और पॉइंट दिमाग में चल रहे हैं, थोड़ा सुनिएगा देखिएगा। यहां पर मैंने मेंशन किया ऑक्सिन, और बताइए थोड़ा साइटोकाइनिन, थोड़ा और एक हार्मोन का नाम बताइए, इथिलीन। पता है किसके रेफरेंस में बात कर रहा हूं, प्रमोट करते हैं ये तीनों हार्मोन, प्रमोट जो है फॉर्मेशन ऑफ कौन से फ्लावर, फीमेल फ्लावर्स। ठीक है, तो ये फेमिनिज्म को प्रमोट करते हैं। वेयर एज जिब्रेलिन इकलौता हार्मोन है, जिब्रेलिन को हम मेल स्टेरॉयडल हार्मोन बोलते हैं, जिब्रेलिन प्रमोट्स मेल फ्लावर फॉर्मेशन। ठीक है, थोड़ा और एक पॉइंट मेंशन कर देते हैं यहां पर, ऑक्सिन साइटोकाइनिन एंड जिब्रेलिन, ऑक्सिन साइटोकाइनिन एंड जिब्रेलिन प्रमोट ऑक्सिन साइटोकाइनिन एंड जिब्रेलिन प्रमोट कैंबियम एक्टिविटी एंड फ्रूट ग्रोथ। थोड़ा बताइए, इनहिबिटेड बाय कैंबियम की एक्टिविटी और फ्रूट के ग्रोथ को इनहिबिट करता है एब्सेसिक एसिड। सो सिनर्जिस्टिक एंटागोनिस्टिक फंक्शन के बारे में हमने बात किया, हेडिंग था इंटरैक्शन अमंग प्लांट रेगुलेटर। सो एक मेजर पार्ट हमने इस चैप्टर का फिनिश कर दिया ऑन द नेम ऑफ प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस, प्लांट हार्मोन्स, फाइटोहार्मोन्स। रिमाइंड करिएगा, फिर से वीडियो देखिएगा, 5 वीडियोज में, हर एक वीडियो में हमने एक एक प्लांट हार्मोन उठाया, बातें की, उसका डिफिनेशन, डिस्कवरी, प्रिकर्सर, आइसोलेशन, टाइप्स, रॉ मटेरियल, कहां पर सिंथेसिस होता है, अकरेंस, देन फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, देन हमने यूजेस की बातें की और हमने बायोसे की बातें की। रिमाइंड करिएगा, कोई भी छोटा मोटा खोटा रीजनेबल लॉजिकल डाउट आए 5 हार्मोन से रिलेटेड, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए, अभी के लिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।